अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अरुण और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रुप थ्योरी पे सीरीज बना रहे हैं। पहला मेरा लेक्चर था एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। आज का जो मेरा लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को COS से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया था वो ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस को मैंने डिस्कस नहीं किया था विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं ये देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस विच हैव मैक्सिमम AOS axis of symmetry value is known as principal axis। ऐसा एक्सेस जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है AOS की उसको हम प्रिंसिपल एक्सेस लेंगे। और सब्सिडरी एक्सेस क्या होता है, ये दोनों एक्सेस एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं। सब्सिडरी एक्सेस मिनिमम और लेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री वैल्यू इज नोन एज सब्सिडरी एक्सेस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस और सब्सिडरी एक्सेस में फर्क था। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रिंसिपल एक्सेस और सब्सिडरी एक्सेस दोनों एक्सेस उस मॉलिक्यूल में मौजूद हों। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं BF3 की। F, ठीक है। अब इसमें इसको नंबर दे देते हैं 1, 2 एंड 3। अब प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस में फर्क देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि जैसा कि मैंने कल बताया आपको कि ये आप ये समझ लें कि ये पंखा है, एक फैन है। ठीक है, और ये जो है ना ये उसका हेड है और ये तीन जो है ना ये उसके पार हैं। ठीक है, हम एक्सेस गुजार रहे हैं नीचे से ऊपर की जानब। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये एक्सेस गुजारा हमने नीचे से ऊपर, तो ये जो तीन फ्लोरीन एटम है इनको इक्वल डिस्टेंस में इक्वल एंगल पे ये डिवाइड कर देगा। इन तीनों में इक्वल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, सिमेट्री जैसा कि आप जानते हैं कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। ठीक है, ये आप जब हम डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 3 120 360 तो हमारे पास C3 एक्सिस आया। ठीक है, अब इसका इसमें सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट हो सकता है। वो कैसे, अगर हम जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस वो अगर हम इन तीनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल पर से गुजारें और वो दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये दोनों जो है ना ये भी हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री पेश करेंगे। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल के मैं F1 से गुजार रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक, अगर मैं ये F1 से गुजारता हूँ तो हमारे पास मिरर इमेज रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो मौजूद होगी, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जो है ना रोटेट कराएं तो तभी सिमेट्री आएगी। F3 इधर चला जाए, F2 इधर चला जाए। ठीक है, इधर हमारे पास C2 एक्सेस भी आता है। C2 एक्सेस कैसे आएगा, जब ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा तो इन दोनों के दरमियान जो है ना डिस्टेंस वो जो है ना वो 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस 180 डिग्री का होगा, अगर हम इसको कांस्टेंट कराएं तो डिस्टेंस 180 डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो ये हमारे पास C2 एक्सेस भी आ गया। ठीक है, अब हमने सब्सिडरी एक्सेस और प्रिंसिपल एक्सेस को लिखना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, BF3 के लिए हम देखते हैं कि हम किस तरह लिखेंगे। जो होता है प्रिंसिपल एक्सेस उसका नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, और जो सब्सिडरी एक्सेस होता है उसका नंबर जो है ना C के बाद लिखा जाता है। जैसे कि इधर 2 आ रहा है तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये 3C2, ये जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सेस है और ये जो है ना ये हमारे पास है जी सब्सिडरी एक्सेस। अब देखते हैं PtCl4 नेगेटिव के साथ, उधर से आपको मजीद क्लियर हो जाएगी PtCl4 नेगेटिव 2 की।
पी टी सी एल फोर नेगेटिव टू, ठीक है। इसको हम ड्रा करते हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा, नेगेटिव टू। जैसा कि मैंने पहले बताया था कल कि अगर हम इधर दरमियान में से प्रिंसिपल एक्सेस को गुजारें, ठीक है, ये आप समझ लें कि एक छत है, छत के जो छत के दरमियान में फ़ैन है, ठीक है, और जो चार कोने हैं ना वो ये समझ लें कि क्लोरीन एटम वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। हम नीचे से गुजार रहे हैं, वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रहा है उस छत के, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगा कि ये इन चारों को जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर देगा। जब चारों को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर देगा, इन चारों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इधर से प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा जी, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है डिवाइडेड बाई 90, तो हमारे पास C4 एक्सिस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल क्या है वो देखते हैं इधर ही से, ठीक है। अगर अगर जो है ना हम प्रिंसिपल एक्सेस या इन इस मॉलिक्यूल पर से गुजारें या इस मॉलिक्यूल पर से गुजारें, ठीक है, तो फिर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी ना, एक्सेस ऑफ सिमेट्री सॉरी, वो हमारी होगी सब्सिडियरी एक्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से गुजार रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सेस सीधा इधर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना एक्सेस, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन दोनों एक्सिस पे ये दोनों एक किस्म के कांस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बन गया है वो है जी 180 डिग्री का, ठीक है। तो हम 180 डिग्री के मुताबिक अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास C2 एक्सेस भी आया, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे C4 एक्सेस भी आया है और C2 एक्सेस भी आया है, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह करते हैं, 4C2, 4 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल एक्सेस को, जबकि ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करेगा सब्सिडरी एक्सेस को। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो प्रिंसिपल, हमेशा जो हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सेस लेते हैं, सब्सिडरी एक्सेस जो है ना वो आगे यूज होगा ग्रुप थ्योरी में, वो मैं उधर जाके बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी सिग्मा आई से, ठीक है। आई क्या है, इसको कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन या इन्वर्जन सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम इन्वर्जन डिस्कस करेंगे एक मॉलिक्यूल के। अगर फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो इस तरह है, ठीक है, इस पोजीशन में है, तो हम चेक करेंगे कि इस पोजीशन पे उसके वही मॉलिक्यूल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे Cl है और इधर हाइड्रोजन है, तो वो ये जो है ना ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री ये नहीं देगा, वो क्यों, क्योंकि इधर क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन एटम हो तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री देता है, क्योंकि इन्वर्जन दे रहा है, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, ठीक है। इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हम कहते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल के जरिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक्सेस ड्रा करते हैं दो, ठीक है, टू एक्सेस हम ड्रा करते हैं, ये जैसा कि मैंने पहले बताया था इसको एक्स और इसको जी हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो इसका इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होगा, वो ये होगा कि इसके जो उलट आ रहा होगा उसका माइनस एक्स कहेंगे और इसके जो उलट आ रहा होगा उसका माइनस जी कहेंगे। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में कैसे प्रेजेंट हो सकती है और हमें वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये है। आंसर ये है कि अगर हमारे पास इधर है एक्स और जी पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, उसके जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है ना वो बिल्कुल मुखालिफ भी होनी चाहिए, माइनस एक्स और माइनस जी में प्रेजेंट ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। माइनस एक्स और माइनस जी में प्रेजेंट होगी तो तब जाके ना वो हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन देगी, ठीक है, वरना नहीं देगी। अगर ये एक्स है, इधर एक्स नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ गया कि इसका इन्वर्जन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं।
पी टी सी एल फोर नेगेटिव टू की हम इधर एग्जाम्पल देखेंगे, पी टी सी एल फोर नेगेटिव टू, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ताकि आपको मजीद आप इजीली समझ सकें। ठीक है, या हम पहले एक्सिस ड्रा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यह मैं आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इधर हमारे पास एक्स है तो इधर माइनस एक्स है। ठीक है, इधर हमारे पास जी है तो इधर हमारे पास माइनस सी है। ठीक, अब इसको नाम दे देते हैं इसकी, वन टू थ्री फोर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, वन टू थ्री फोर। इसी तरह इसको भी करते हैं, ये इधर प्लस वन था, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ठीक है, अब इसके भी ड्रा करते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ठीक है, अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे हम प्लैटिनम, ठीक है, अब हमारे चार कोने पे हैं सी एल। ठीक है, तो सी एल ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सी एल इधर है, दूसरा सी एल इधर है, सॉरी ये इधर का क्या होगा, और इसको थोड़ा सा नंबर ड्रा करते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ सके। ठीक है, इसको माइनस थ्री और माइनस फोर। ठीक है, और यहाँ पे भी सी एल होगा, यहाँ पे भी सी एल होगा। ठीक है, अब इधर सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, ये जो सी एल है इधर ड्रा करते हैं, इस थ्री पे लग रहा है। ठीक, इस थ्री को टच कर रहा है, इधर ये सी एल इस थ्री को टच कर रहा है, ये सी एल भी इस थ्री को टच कर रहा है, और यहाँ पे भी थ्री को टच कर रहा है। इधर देखते हैं, ये माइनस थ्री को टच कर रहा है, और इधर भी माइनस थ्री को, इधर माइनस थ्री को, और ये थ्री को। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि इनमें इन्वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो सी एल है इसका देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। ठीक है, ये सी एल एक्स एक्सिस पे थ्री है, वाई एक्सिस पे भी थ्री पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सी एल क्या कर रहा है ये देखते हैं। ठीक है, इसको माइनस थ्री देना चाहिए, इस पॉइंट पे जो है माइनस जी एक्सिस पे माइनस थ्री दे रहा है, और एक्स एक्सिस पे भी ये माइनस थ्री दे रहा है। मीन के इन दोनों के दरमियान सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ज़रा गौर करके देखिए, सुनिएगा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन दे रहा है क्योंकि जहाँ पे जिस पॉइंट पे इधर मीट कर रहा है सी एल एक्स और जी एक्सिस को, ओपोजिट एक्सिस पे वहाँ पे मीट कर रहा है माइनस एक्स और माइनस जी एक्सिस को, इसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो है ना पॉइंट, ये क्या दे रहा है। ठीक है, ये इधर जो है ना एक्स एक्सिस पे थ्री को मीट कर रहा है और इधर माइनस थ्री को कर रहा है, तो इसके ओपोजिट देखते हैं क्या उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ओपोजिट हम देखते हैं, ये इधर ये मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री को, इधर ये जी एक्सिस पे कर रहा है सिर्फ थ्री को, प्लस थ्री को। ठीक है, अब इनमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, वो कैसे, इधर एक्स एक्सिस पे ये प्लस थ्री को मीट कर रहा था, इधर जो है ना क्या नाम है जी एक्सिस, इधर सॉरी इधर ये सी एल जो है एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री को मीट कर रहा है, इधर z एक्सिस पे ये सी एल जो है ये माइनस थ्री को मीट कर रहा है, इधर ये जो सी एल है ये z एक्सिस पे प्लस थ्री को मीट कर रहा है। मीन के ओपोजिट हैं, और मॉलिक्यूल भी वही हैं, जो इधर सी एल है तो इधर भी सी एल है। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होती है। एच टू ओ का हम पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इधर एच, इधर भी एच, इसको एच वन मान लो, इसको एच टू मान लो। ठीक है, अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखना है। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या आपको इस साइड पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है या इस साइड पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है।
अब इसके ओपोजिट यानी कि इन्वर्जन साइड पे तो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसके भी ओपोजिट साइड पे कोई इन्वर्जन ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, वाटर में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जरा और से देखिएगा, ठीक है, H2Cl2, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये इथीन है, हाइड्रोजन Cl, हाइड्रोजन Cl। तो अब मुझे आप पहले आप खुद सोचें, ठीक है, कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगी, इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। वो कैसे, यहां पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इसके इन्वर्जन सेंटर यानी कि ओपोजिट साइड ट्रांस साइड पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए था, इधर भी, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं। और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऑपोजिट साइड पे इन्वर्जन साइड पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन इधर कुल ग्रीन एटम है, इस वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसी ग्रुप में एक चेंजिंग कर दूं, ठीक है, वो चेंजिंग क्या है कि इधर हाइड्रोजन लगा दूं और इस हाइड्रोजन को रिक्वेस्ट करूं कि इधर क्लोरीन लगने दो, ठीक है, अब इधर क्लोरीन अटैच हो गया, इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया, क्या अब सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में? आप पहले खुद सोचें, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, वो कैसे, इस साइड पे हाइड्रोजन है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ट्रांस साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, इसके ऑपोजिट साइड पे ट्रांस साइड पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस हमने कंक्लूजन निकाला कि ग्रुप C2H2Cl2 में जो है ट्रांसपोजिशन पे सेम ग्रुप लगे हों तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन देते हैं, और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा एन से, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें दो टर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जो कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करती हैं। वो क्या है, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पहले टर्म आ रही होती है रोटेशन, ठीक है, उसको राइट साइड पे लिखते हैं, तो यहां पे हमने लिख दिया रोटेशन राइट साइड पे, ठीक है, और जो बाद में टर्म आ रही होती है उसको फर्स्ट लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, यहां पे रिफ्लेक्शन है तो लेफ्ट साइड पे ये सिग्मा लिख दिया, ठीक है, एक ये टर्म है इसमें। और दूसरी टर्म भी इधर बहुत ज्यादा कॉमन है, वो क्या है कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन। इसमें क्योंकि आप फास्ट पे क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन को हम राइट साइड पे लिखेंगे, रोटेशन बाद में आ रहा है तो रोटेशन को हम जो है ना लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑपरेट जो है ना हमने पहले जो है ना वो राइट साइड वाले को करना होता है, इन ऑपरेशन में जो हमने ऑपरेट करना होता है वो पहले राइट साइड वालों को करना होता है, और बाद में जो है ना सेकंड पे हम ऑपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वालों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ग्रुप में, ठीक है, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन है या इस तरह का सिंबल है, ठीक है, तो इसमें हम पहले Cn को जो है ना ऑपरेट करेंगे, Cn की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, रिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब ज़रा गौर से इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, क्योंकि इधर थोड़ी सी जो है ना कन्फ्यूजन प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं CH4 की। CH4 का जो आप सब लोग जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल होता है, ठीक है। CH4 का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये H1 मान लो इसको, ठीक है, इसको H4 मान लो, और यहाँ पे वेज स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आप H3 मान लो, यहाँ पे डैश स्ट्रक्चर, इसको आप H2 मान लो, ठीक है। अब ये जो डैश स्ट्रक्चर होता है ये बिलो द प्लेन होता है, ठीक है,
ये बिलो द प्लेन होता है, और ये जो वेज स्ट्रक्चर होता है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। अब जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी कहा है कि ये जितने भी ग्रुप थ्योरी है ये इमेजिनेशन पे है, ठीक है। तो अब इधर हम जो CH4 का स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टडी करेंगे, वो प्लानर ज्योमेट्री में करेंगे कि ये C है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, ये समझने के लिए हम इसको प्लानर स्ट्रक्चर में ड्रा करते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्लानर स्ट्रक्चर में ड्रा करते हैं, इसका जो प्लानर स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये आप सी इसको मान लो, ठीक है, इसको आप वेज स्ट्रक्चर H1 मान लो, इसको आप डैश स्ट्रक्चर H2 मान लो, इसको आप H3 प्लेनर ज्योमेट्री में होगा, और H4 प्लेनर में होगा, ठीक है। अब हम इस दर क्या देखते हैं कि हम ये वाला ऑपरेशन इधर करवाएंगे, ठीक है। ये क्या है कि रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम पहले इधर रोटेशन इधर देखते हैं, पहले रोटेशन लगाएंगे, ये C4 एक्सिस देखते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट कराएंगे। याद रखें, ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो रोटेशन होगी ना, इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ एक्सिस की रोटेशन होगी, मॉलिक्यूल जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ एक्सिस जो है ना वो रोटेट करेंगे, जैसे ये वेज है, ये हैश और ये प्लेनर स्ट्रक्चर रोटेट कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। ये डैश स्ट्रक्चर जो है ना ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H3 अपना मॉलिक्यूल वही रहेगा, ठीक है, और ये जो वेज स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H4 ही रहेगा, ठीक है, और जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो ऊपर चले जाएंगे H1, और ये इसको माने आप H2, ठीक है। अब अगर हाँ, यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेशन कराया है, रोटेशन, अब हमने रिफ्लेक्शन करानी है, तो तब हमारे पास ये ऑपरेशन आएगा, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब इस पे ऑपरेशन करवाते हैं जी रिफ्लेक्शन का, XY प्लेन में फॉर एग्जांपल अगर हो रही है रिफ्लेक्शन तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे ये जो है एक्सिस ये भी रोटेट करेंगे, ठीक है, मीन कि ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये इधर से इधर चला जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, और जो प्लानर स्ट्रक्चर है वो नीचे आ जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है। अब इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डैश स्ट्रक्चर H3, ये हमारे पास वेज स्ट्रक्चर H4 एंड ये हमारे पास H2 इधर आ जाएगा रिफ्लेक्शन कर रिफ्लेक्ट करने से, ठीक है, और H1 जो है इधर चला जाएगा। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, जिन इस मॉलिक्यूल पे जो है ना दो ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या था रोटेशन का, दूसरा ऑपरेशन क्या था रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब ये दो जो मॉलिक्यूल हैं ये आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, ठीक है। आइडेंटिकल कौन सा मॉलिक्यूल होता है कि ये जो पोजीशन है H1 की, ठीक है, इधर वही एटम आएगा जो इधर मौजूद होगा, मीन कि अगर आप इधर फर्ज किया इधर Cl है, ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन ही आना चाहिए, अगर यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl ही आना चाहिए, ठीक है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये था व्यूअर मेरा सिमेट्री एलिमेंट्स पे लेक्चर्स, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा जी पॉइंट ग्रुप पे, नेक्स्ट मेरा लेक्चर पॉइंट ग्रुप पे होगा, अगर आपने वो समझना होगा तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद पॉइंट ग्रुप मेरा लेक्चर होगा।